आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये है जी प्रोसेस स्केड्यूलिंग के बारे में, या इसको आप प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग से मुराद ये होगा आपके पास द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट एंड शुड बी मूव टू द रनिंग स्टेट इज नोन एज अ प्रोसेस शेड्यूलिंग और प्रोसेस स्केड्यूलिंग। इससे मुराद ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप इस चीज़ का तयन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है वो आपने रेडी स्टेट के अंदर भेजना है और फिर उसको रनिंग स्टेट के अंदर ट्रांसफर करना है। ये स्टेट क्यूज की टाइप है, रेडी रेडी क्यू होता है, रनिंग क्यू होता है, जॉब क्यू होता है, ये अभी आगे आती है, फिर मैं वहाँ पे आपको इसको तफसील के बारे में बताता हूँ। इन शॉर्ट सिर्फ इतना समझ लें कि प्रोसेस शेड्यूलिंग से मुराद आपने अपने प्रोसेस को डिटरमाइन करना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो आपका अपनी रनिंग के लिए तैयार रेडी है और आप उसको रनिंग स्टेट में लाना चाहते हैं। ठीक होगी ये बात। प्रोसेस स्केड्यूलिंग का या प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो बुनियादी मकसद है वो हमारे पास ये होता है कि हमने सीपीयू को हर टाइम के ऊपर बिजी रखना है, क्योंकि अगर सीपीयू आपका ज्यादा से ज्यादा बिजी रहेगा ना तो उससे सीपीयू का जो रिस्पांस टाइम है वो बढ़ता जाएगा। और तमाम जो प्रोग्राम सीपीयू का मेन मकसद ये है कि आपने सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो बिजी रखना है, बिजी सीपीयू को आपने ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना है। तो यहाँ पर वो ये बात करता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो आपके पास मेन मकसद जो होता है ना वो ये होता है कि आपने सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना होता है और आपका जितने भी प्रोग्राम का जो रिस्पांस टाइम है ना वो कम से कम होना चाहिए। ठीक होगी ये बात। इसके लिए बेसिकल तौर पे ये होता है कि जो आपका शेड्यूलर होता है ना, शेड्यूलर से मुराद आपके पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसने आपके प्रोसेस को ना शेड्यूल करना होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, ये अभी आगे इसकी तफसील भी आती है। अब ये होता है कि आपने सीपीयू को ज्यादा देर के लिए बिजी रखना होता है, अपने रिस्पॉन्स टाइम को कम करने की जो जिम्मेदारी होती है ना ये शेड्यूलर के ऊपर आ जाता है। शेड्यूलर क्या काम करता है कि प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करता रहता है। इससे ये होता है कि आपका जो सीपीयू है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो बिजी रहता है। ठीक होगी बात। जो स्केड्यूलिंग है ना इसको हम मेन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, या आप इसकी दो टाइप समझ लें। एक को आप नाम देते हैं नॉन प्रिमिटिव और एक को नाम देते हैं प्रीमिटिव। प्रीमिटिव से मुराद आपके पास ऐसी स्केड्यूलिंग होगी जिसके अंदर एक प्रोसेस अभी अपना वर्किंग कर रहा था, उतनी देर में कोई और प्रोसेस आया तो आपने पहले वाले प्रोसेस की वर्किंग को स्टॉप कर दिया और दूसरे वाले प्रोसेस की वर्किंग को कंटिन्यू किया। ऐसी जो स्केड्यूलिंग होगी इसको आप प्रीमिटिव स्केड्यूलिंग का नाम देंगे। और नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग ये होती है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है तो जब तक वो अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर लेता उस वक्त तक आप किसी और प्रोसेस को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर होगी ये बात। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग से मुराद आपके पास ऐसी स्केड्यूलिंग होती है जिसके अंदर सीपीयू को अलाउ होता है कि वो प्रोसेस को स्टॉप कर ले, किसी प्रोसेस को स्टॉप कर ले और किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर ले। ये आपके पास प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग होती है। और नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग के अंदर आप अलाउ नहीं करते कि आपका कोई प्रोसेस जो है आप उसको स्किप करें और उसके बजाय दूसरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर ले। ठीक होगी ये बात। इसके बाद आते हैं हमारे पास ना प्रोसेस स्केड्यूलिंग की क्यूज। क्यूज से मुराद होता है बेसिकली तौर पे जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने वर्किंग स्टार्ट की होती है ना तो आपके पास ढेर सारे जो है ना वो प्रोसेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन प्रोसेस को फिर आपने क्यूज के अंदर रख देना होता है। सबसे पहले जो आपके पास क्यू आती है ना वो होती है जॉब क्यू। जॉब क्यू से मुराद आपके पास ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जब वो आपके पास सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं ना तो आप उनको एक क्यू में रख देते हैं, उस क्यू को आप जॉब क्यू का नाम दे देते हैं। मतलब जो प्रोसेस आपके पास आपके सिस्टम में एंटर हो गए हैं वो प्रोसेस की जो क्यू होगी वो आपके पास जॉब क्यू ठहरेगी। फिर आपके पास आता है रेडी क्यू। रेडी क्यू से मुराद आपके पास ऐसे प्रोसेस होती हैं जो कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए।
क्लियर हो गई बात। दिस की क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन अ मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू द एग्जीक्यूट। मतलब यह है कि ऐसे प्रोसेस जो कि आपके पास एग्जीक्यूट होने का इंतजार कर रहे होते हैं, उन प्रोसेस को आप रेडी क्यू का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर कोई नया प्रोसेस आता है तो वो भी आपके पास रेडी क्यू के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू से मुराद आपके पास ऐसी क्यू होती है कि अगर किसी प्रोसेस को किसी डिवाइस की ज़रूरत है, किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो जिस क्यू के अंदर वेट कर रहा होगा ना, उस क्यू को आप डिवाइस क्यू का नाम देंगे। क्लियर होगी जी बात। प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन में वो कहता है द प्रोसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन आईओ डिवाइस, प्रोसेस वेटिंग फॉर अ डिवाइस टू बिकम अवेलेबल आर प्लेस्ड इन अ डिवाइस क्यू। ठीक हो की बात। ये हमारे पास क्यूज की डिफरेंट टाइप आ जाती है। अच्छा जी, अ प्रोसेस इज इनिशियली पुट इन अ रेडी क्यू, कि जब भी आपका कोई प्रोसेस आएगा तो आप उसको रेडी क्यू के अंदर रख देंगे, फिर उसके बाद उसने अपनी वेटिंग का जो है वो इंतजार कर रहा होता है। जब आप अपने किसी प्रोसेस को जो है ना सीपीयू को असाइन कर देते हैं ना और अपनी वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद उसके साथ ना इनमें से कोई एक प्रोसेस, कोई एक स्टेट के अंदर वो चला जा सकता है। मतलब वो डिफरेंट इवेंट अकर हो सकते हैं। पहले नंबर पे वो ये कहता है द प्रोसेस कुड इशू एन आईओ रिक्वेस्ट एंड देन प्लेस इन अ आईओ क्यू। मतलब ये कि जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया उसने आपसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट कर ली, जब आप उसने रिक्वेस्ट की तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे आपके पास आईओ क्यू के अंदर चला जाएगा। फिर ये हो सकता है कि कोई प्रोसेस जो है वो नया क्रिएट हुआ हो और नया क्रिएट होने के बाद वो अपनी वर्किंग करता रहेगा और फिर वो अपनी टर्मिनेशन का इंतज़ार करेगा। या ये भी हो सकता है कि जब प्रोसेस आया उसको आप सीपीयू ने फोर्सली जो है वो उसको रिमूव कर दिया। रिमूव इसलिए किया कि कोई इंटरप्ट आ गई, तो जब उसको रिमूव किया तो वो दोबारा अपनी रेडी क्यू के अंदर चला गया। जब वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो फिर दोबारा वो अपनी जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये आपके पास ना एक प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये देखने सबसे पहले आपके पास रेडी क्यू है, फिर आपके पास आईओ क्यू है। देखिए सबसे पहला जो देखना, आप पहली दो स्टेट्स अगर देखें, ये आपका प्रोसेस आया रेडी क्यू के अंदर, रेडी क्यू से सीपीयू मिला और उसने अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी। अब पहले केस के अंदर ये हुआ है कि या वो आपके पास आईओ की रिक्वेस्ट करेगा, या वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा, या वो किसी चाइल्ड को क्रिएट करेगा, या वो किसी इंटरप्ट का इंतज़ार करेगा। ये कंडीशंस हो सकती हैं किसी प्रोसेस के साथ। देखें पहले के अंदर उसने आईओ की रिक्वेस्ट की, तो आईओ की रिक्वेस्ट करने के साथ ही वो आईओ क्यू के अंदर चला गया। जब वो आईओ क्यू के अंदर चला गया तो फिर उसको क्या हुआ कि आईओ की जो रिक्वेस्ट थी वो हैंडल हो गई। ठीक हो गया, तो इसको आप आईओ की रिक्वेस्ट का नाम देंगे। आईओ की रिक्वेस्ट करने के बाद जब उसने अपनी आईओ की वर्किंग कंप्लीट कर ली, वो अगेन आपके पास रेडी क्यू के अंदर आ गया। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो स्लॉट हुआ उसने अपने टाइम स्लाइस जो उसको पूरा किया, उसने अपने टाइम पीरियड को पूरा किया, टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद फिर दोबारा रेडी क्यू के अंदर आ गया। या ये हो सका कि उसने अपने एक चाइल्ड को क्रिएट कर लिया और चाइल्ड उसका एग्जीक्यूट हुआ और फिर दोबारा उसने अपनी वर्किंग की। इसी तरीके से उसने किसी उसे कोई इंटरप्ट आ गई, तो इंटरप्ट की वजह से वो प्रोसेस जो है उसने अपनी वर्किंग स्टॉप कर दी। जब कोई इंटरप्ट आती है तो वो प्रोसेस अपनी वर्किंग स्टॉप कर देता है और दोबारा रेडी क्यू के अंदर चला जाता है। फिर रेडी क्यू से उसे जो है वो आके सीपीयू मिल जाता है। ठीक, तो ये एक प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टेट्स हो सकती हैं। ये इसकी उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बयान की है कि इन फर्स्ट टू केसेस द प्रोसेस इवेंचुअली स्विच फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट एंड देन पुट बैक इनटू द रेडी क्यू। अ प्रोसेस कंटिन्यू दिस साइकिल अंटिल इट्स टर्मिनेट एट विच टाइम इट इज रिमूव फ्रॉम द ऑल क्यूज एंड हैज इट्स एंड इट्स पीसीबी एंड रिसोर्सेज रीएलोकेट। मतलब जब आपका प्रोसेस जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो वो रिमूव हो जाएगा। जो ही वो रिमूव होगा उसका पीसीबी जो होगा वो उस पीसीबी में से उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक होगी बात।
अब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये भी सीन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना क्यूज को मैनेज करने के लिए डिफरेंट किस्म की ना पॉलिसीज अप्लाई करता है। वो पॉलिसीज आपकी फीफो हो सकती है, राउंड ट्रिबन होती है, प्रायोरिटी हो जाती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वगैरह हो जाती है। ये सारी आगे आपके पास एक एक चैप्टर के अंदर आएंगे, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। ये ना क्यूज को अरेंज करने की आपके पास डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज या डिफरेंट किस्म की टेक्निक है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर होता है ना, वो इस चीज का तयन करता है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका शेड्यूलर है ना, वो इस चीज का उसमें तयन करना होता है कि रेडी क्यू और रन क्यू, रेडी क्यू क्यू के दरमियान उसने किस तरीके से अपने प्रोसेस जो है उनको रन करना होता है। ठीक होगी बात। अब जो शेड्यूलर्स है ना, हमारे पास मेन तीन किस्म के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। बेसिकली तौर पे शेड्यूलर क्या चीज होता है, शेड्यूलर आपके पास या स्केड्यूलर इसको बोल सकते हैं आप, ये आपके पास ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसने आपके प्रोसेस की स्केड्यूलिंग को डिफरेंट तरीकों के साथ मैनेज करना होता है। स्केड्यूलर से मुराद आपके पास ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसने आपके प्रोसेस को डिफरेंट तरीकों के साथ मैनेज करना होता है। दूसरे नंबर पे इसका मेन टास्क ये होता है कि इसने जॉब्स को सिलेक्ट करना होता है। जॉब से मुराद होता है प्रोसेस, कि प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रोसेस को इसने सबमिट करना है। टाइप ऑफ शेड्यूलर में हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर से मुराद या स्केड्यूलर से मुराद आपके पास बेसिकली तौर पे ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका मकसद ये होता है कि इसने प्रोसेस को हैंडल करना होता है डिफरेंट तरीकों के साथ, कि किस मेथड के तहत इसने अपने प्रोसेस को रन करना था, फीफो के तहत रन करना है, लाइफो के तहत रन करना है, किस मेथड के तहत इसने रन करना है, इस चीज का इसने डिसीजन करना होता है। जब मेन तीन टाइप है इसकी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारे पास एक ऐसा शेड्यूलर होता है कि इसने आपके पास क्यूज में से प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है और इसको मेमोरी के अंदर लोड कर देना, यह आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि इसने क्यूज में से प्रोसेस को सिलेक्ट करना और मेमोरी के अंदर उसको एग्जीक्यूशन के लिए लोड कर देना। मेन मकसद जो होता है, प्राइमरी मकसद जो है इसका, इसने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इसको मेंटेन रखना होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो अपने रन करने होते हैं, इसके दरमियान इसने तवाजुन को बरकरार रखना होता है। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो नहीं होते। इसके बाद आपके पास आता है जी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, इसको आप सीपीयू स्केड्यूलर का नाम भी देते हैं। इसका मतलब ये, इसका जो मेन मकसद ये है कि सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। इसने इस चीज का तयन करना होता है कि आपके पास नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है और ये वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू को एलोकेट कर देता है। ठीक हो गया जी बात। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है इसका दूसरा नाम जो है वो डिस्पैचर भी होता है और ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से फास्ट काम करता है और इसका जो बुनियादी मकसद भी यही है कि इसने सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करना होता है। ठीक हो गई बात। इसके बाद आते हैं जी आपके पास मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर बेसिकली तौर पर क्या करता है, इसका मेन मकसद होता है कि प्राइम मेमोरी में से ना प्रोसेसेस को रिमूव करना, और जब भी प्रोसेस को रिमूव करेगा तो उससे जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। मतलब मीडियम टर्म शेड्यूलर का जो मेन मकसद होता है ना, इसका काम होता है स्वैपिंग का, कि कौन सा प्रोसेस जो इसको मेमोरी में से निकालना है और दोबारा उसको मेमोरी के अंदर इन करना है, मतलब कौन सा प्रोसेस आपने स्वैप्ड आउट करना है
और कौन सा प्रोसेस जो वो स्वैप्ड इन करना है, ये आपके पास मीडियम टर्म स्केड्यूलर जो होता है इसका काम होता है। ठीक होगी बात। स्वैपिंग से मुराद आपके पास ये होता है कि मेमोरी में से एक प्रोसेस को निकाल लेना और किसी दूसरे प्रोसेस के लिए स्पेस बनाना, जब वो प्रोसेस अपना वर्किंग कंप्लीट कर ले तो दोबारा से जो पुराना प्रोसेस को उसको दोबारा वापस मेमोरी के अंदर ले आना, ये टर्म जो है ये आपके पास स्वैपिंग कहलाती है। ठीक होगी जबान। अब ये इसने हमारे पास डिफरेंट जो शेड्यूलर्स हैं उनका कंपैरिजन दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है तो आपको इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक होगी बात। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्या चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट स्विच से मुराद ये होता है कि सीपीयू जो है ना वो एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, उसको दरमियान के अंदर कोई इंटरप्ट आई तो उसने उस प्रोसेस के ऊपर अपनी वर्किंग करना छोड़ दी और दूसरे प्रोसेस के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस, ये जो जितना भी प्रोसेस होगा इस सारे प्रोसेस को आप कॉन्टेक्स्ट स्विच का नाम देंगे। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्ड सेविंग द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव स्टेट ऑफ अ न्यू प्रोसेस, दिस टास्क इज नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। मतलब ये है कि आपने अपने पुराने प्रोसेस की वर्किंग को स्टॉप कर देना है और नए प्रोसेस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, ये प्रोसेस जो होगा इसको आप कॉन्टेक्स्ट स्विच का नाम देंगे। अब ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे आपके पास पीसीबी के अंदर सेव होता है। अब इसने क्या बताना था कि सीपीयू के रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है, प्रोसेस की स्टेट कौन सी थी, उसने मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन रखी थी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये पीसीबी के अंदर सेव हुई होती है। लेकिन जबकि आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है ना, ये सीपीयू के लिए ओवरहेड हो जाता है क्योंकि बार बार एक प्रोसेस का आना, फिर उस प्रोसेस ने निकल जाना, फिर नए प्रोसेस ने आना, तो इस चीज़ से ना सीपीयू की जो वर्किंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल यूँ समझ लें कि आप ना क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो बार बार स्टूडेंट अंदर आई जा रहे हैं कि पहले आपने वर्किंग स्टार्ट की, पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टूडेंट आया उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, फिर आपने टॉपिक को अगेन स्टार्ट किया, फिर एक और स्टूडेंट आ गया, फिर एक और स्टूडेंट आ गया, तो जब बार बार आपको डिस्टर्बेंस होगी उससे आपकी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। सेम एज इट केस जो है ये सीपीयू के साथ होता है कि जब आप बार बार किसी प्रोसेस आपके पास आएंगे, आप एक प्रोसेस को रोकेंगे, दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर उसको रोकेंगे, तो इससे क्या होता है कि सीपीयू के जो ऊपर जो ओवरहेड है ना वो बढ़ जाता है। तो फिर इस ओवरहेड को कम करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसको हमने थ्रेड्स का नाम दिया था। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। क्लियर होगी जी बात। ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर एक प्रोसेस जो है वो किस तरीके के साथ स्विच करता है और इसकी कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो सेव होती हैं। देखें जब भी कोई प्रोसेस जब वो स्विच करेगा उसका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, उसकी स्केड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन, उसका बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू, करंटली वो कौन से रजिस्टर को इस्तेमाल कर रहा था, उसकी आयो की क्या इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसकी सेव हो जाती हैं। तो जाहिर बात है जब आपने इन सारी चीज़ों को सेव करना है फिर दोबारा आपने इसको स्टार्ट करना है तो ये सीपीयू के ऊपर जो है वो हेडेक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक हो की बात। एक जो प्रोसेस होता है ना उसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोसेस की क्रिएशन करना, प्रोसेस की परमिशन करना, प्रोसेस को ब्लॉक कर देना और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। तो ये एक प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के आप ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक होगी बात। इसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी